हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। इनसिक्योरिटी, सर्विस, एनलाइटनमेंट, इम्पैस, आइसोलेशन, इम्पेशंस, डिस्पोंडेंस, रिकवरी, परसेप्शन, एंड पैशन, सोलमेट। ओके, आपके लिए गुड न्यूज क्या है गाइस? सबसे पहली गुड न्यूज है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी है आपको अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों को इनसिक्योरिटी है, वो इस चीज को रिलीज कर रहे हैं, ये उनके लिए गुड न्यूज है। इनसिक्योरिटी आप लोगों को किस चीज की है? इनसिक्योरिटी है किसी को अपने फ्यूचर की, किसी को अपने पार्टनर की, किसी को अपने करियर की, आप हर चीज में इनसिक्योर हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा आप इनसिक्योर हैं कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चीज को ना आप थोड़ा सा एनलाइटनमेंट का कार्ड आया है। जब इनसिक्योरिटी के साथ एनलाइटनमेंट का कार्ड आया है तो आप कहीं ना कहीं एक आपके लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि आप इसको रिलीज कर रहे हैं इनसिक्योरिटी को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जब कमेंट्स रीड करती हूँ तो उनकी एनर्जी में मुझे बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि वो अगर अपने पर्सन को किसी और के साथ देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो उनका हो गया, ठीक है, वो उनके साथ है, तो वो बहुत इनसिक्योर होते हैं कि वो मुझे भूल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इनसिक्योरिटी आप लोगों के मन से अब रिलीज होने वाली है। कुछ लोगों की तो आज ही ये रीडिंग सुनकर ही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये इनसिक्योरिटी का कार्ड है, और अगर आपको इनसिक्योरिटी अपने करियर को लेकर है, ठीक है, तो करियर जो आपका बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके आज के किए हुए कामों से बन रहा है। तो अगर आप 100% वर्क कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इनसिक्योर मत होइए, क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में ही आएंगे। दूसरा, अगर आपको भविष्य को लेकर चिंता है तो भविष्य को आप देख नहीं सकते, पास्ट जा चुका है। अगर प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं, अपना कर्म आप कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आपका फ्यूचर भी सिक्योर है। आप तीसरे वो लोग जिनको लव लाइफ में बहुत इनसिक्योरिटी होती है अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, एक तो यहाँ पर ये इनसिक्योरिटी का कार्ड निकल कर आया है जो कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि अगर आपको किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर इनसिक्योरिटी है कि मेरा पार्टनर उसका हो जाएगा, ठीक है, तो जो किसी और का हो जाएगा वो आपका कभी था ही नहीं, ठीक है, और जो आपका है वो किसी और का हो नहीं सकता, ठीक है, वो किसी और के पास गया भले ही है लेकिन उसका हो कभी नहीं पाएगा। जो आपका है वो किसी और का नहीं हो सकता, और जो किसी और का हो जाए वो आपका कभी था ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई इंसान आपसे निकलकर किसी तीसरे व्यक्ति के पास गया, ठीक है, और उसे वहां वही सुकून मिल गया, वही कंफर्ट मिल गया, या फिर वो सारी एनर्जीज उसे मिल गई वहां पे, तो वो वहां रुक जाएगा,
ठीक है, और वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं उसके बाद पलट के, क्योंकि वो सारी चीजें, वो सब कुछ जो वो पाना चाहता था, वो उसे किसी और में दिख गया है। तो अगर वो किसी और का हो गया तो वो आपका कभी था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी आपका था ही नहीं, उसके लिए क्या इनसिक्योर होना, ठीक है। और अगर वो आपका है तो वो कहीं भी चला जाए, ठीक है, वो आपको ही तलाश करेगा उस सामने वाले व्यक्ति में, आप ही जैसा आप व्यक्ति तलाश करेगा, आप ही जैसी चीजों को सुनना चाहेगा, आप ही जैसी बातों को सुनना चाहेगा, ठीक है। तो वो कहीं वहां पर कंफर्टेबल नहीं हो सकता, और जब वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो वापस लौट कर आएगा। तो जो आपका है वो किसी और का हो नहीं सकता, और जो किसी और का हो गया वो आपका कभी था ही नहीं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इनसिक्योरिटी में बहुत सारे लोग जिंदगी को जीते हैं, और मैंने उनको कई बार ऐसे कमेंट्स में देखा है कि वो इतना परेशान होते हैं, मैम वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो वो इग्नोर कर रहा है तो आपको लगता है वो आपको भूल गया, ठीक है, या फिर वो आपको हर्ट कर रहा है तो मैम वो मुझे हर्ट कर रहा है तो वो मुझे भूल गया, ठीक है। आप उसको स्पेस नहीं देते, ठीक है, आप उसे स्पेस दे दीजिए, उसे लेट गो कर दीजिए, मत कीजिए कुछ दिन बाद, ठीक है। अगर आप उसे पूरी तरीके से लेट गो कर पा रहे हैं और उसको छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो उसे समझ में आएगा कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हुए तो वो डेफिनेटली रिटर्न आएगा आपकी तरफ, ठीक है। और अगर वो रिटर्न नहीं आया, इसका मतलब वो कभी आपका नहीं था। तो आप अपनी लाइफ को ना इस तरीके से इनसिक्योरिटी में मत डालिए, क्योंकि मुझे मैंने कई बार देखा है लोग हर दिन परेशान होते हैं इस चीज को लेकर कि वो चला गया, वो चला गया, ठीक है। तो उसको फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये इनसिक्योरिटीज आप रिलीज होने वाले हो बहुत जल्दी, ठीक है, यूनिवर्स आपको रिलीज करेंगे। और इम्पेशेंस से भी कुछ लोग पाना चाहते हैं, उनको चीजें उनके समय के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो इम्पेशेंस हो रहे हैं। ये दो चीजें आपकी लाइफ में सबसे बड़ा आपके लिए दुख का कारण है, जो यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ये यहाँ पर पहला मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये आपके लिए गुड न्यूज है। दूसरा सर्विस और डिस्पोंडेंस का कार्ड है। तो आप बहुत ज्यादा सर्विस दे रहे हो, आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हो, लेकिन इंसान का एक स्वभाव होता है कि आप किसी की भी कितनी भी दिल खोलकर मदद कीजिए, ठीक है, अगर उसको आपकी बात पसंद नहीं आएगी ना, तो वो आपको नेगेटिव बोले से मतलब नेगेटिव बोल भी देगा, या फिर नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज भी देगा, जो आपकी एनर्जीज को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में डिवाइन प्रोटेक्शन है, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, आप जो भी काम कर रहे हो वो एक प्योर इंटेंशन के साथ कर रहे हो। उसके बाद भी कुछ लोग, क्योंकि आप 100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, तो अगर आप किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हो, उसके बाद भी उस इंसान को अगर आपसे शिकायत है और वो आपके लिए जलसी रख रहा है, या फिर आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी भेजने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लिए, ये आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ या करती हूँ, मेरे ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं, या फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर मुझे नेगेटिविटी घेर लेती है, मुझे हैवीनेस फील होती है, तो इन सारी चीजों से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो प्योर इंटेंशंस के साथ कर रहे हो। तो अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा होता है ना कि वो आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड है, वो उसमें टकराएगा और वापस जाएगा उसी की तरफ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रोटेक्शन मिलते हुए आपको नजर आ रहा है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसको भी हेल्प कर रहे हैं, जैसी भी सर्विस दे रहे हैं, अगर आप निस्वार्थ होकर दे रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई सेल्फिशनेस नहीं है उसमें, तो आप यकीन मानिए आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिए गुड न्यूज है। तीसरा, यहाँ पर एनलाइटनमेंट और रिकवरी का कार्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पर एनलाइटनमेंट में आ चुके हैं, उनका एनलाइटनमेंट हो चुका है, उन्हें दुनिया की किसी भी चीज से भी ज्यादा भरोसा ईश्वर पर है, और निस्वार्थ भरोसा है, ठीक है, मतलब ऐसा भरोसा नहीं है ये कि स्वार्थी होकर आप ईश्वर के पास आए हैं, नहीं, निस्वार्थ भाव से आए हैं आप ईश्वर के मार्ग पे, और आपने चुना है इस चीज को कि ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में, मुझे ईश्वर ने अगर इस रास्ते पर लेकर आया है तो मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, अपना ही कल्याण कर लूं मैं कुछ। तो कुछ ऐसी एनर्जी में आप लोग मुझे नजर आते हो, जो आपके लिए गुड न्यूज है, और ये रास्ता तो रिकवरी की तरफ ही लेकर जाएगा। ईश्वर का मार्ग रिकवरी का मार्ग ही है आपके लिए, जहां पर आप अपने सारे दुखों से आजादी पा जाएंगे। तो ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज नजर आ रही है। और यहाँ पर परसेप्शन का कार्ड है, ठीक है। जब आप इस मार्ग पे आते हैं तो आपका सोचने का, बोलने का, और देखने का सारा ही आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आप जो पहले बोला करते थे आप वो बोलेंगे नहीं, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका चीजों को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। तो ये आपकी एनर्जी है डियर, बहुत सारे लोग का परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और आपकी तरफ मुझे सोल पार्टनर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपकी सोल कम्युनिटी के, जो आपकी कॉन्शियसनेस को मैच करेंगे, जो समझ पाएंगे जो आप सोच रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर आप इस तरीके की बातें बोलने की कोशिश करते हो तो वो उनके ऊपर से चली जाती हैं,
ठीक है, क्योंकि उन्हें वही चीजें समझ में आती हैं, इसने मेरे साथ अच्छा किया तो उसके साथ अच्छा करूंगा, इसने मेरे साथ बुरा किया तो उसके साथ बुरा करूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप एनलाइटनमेंट के पाथ पर होते हैं तो आप ये सोचते हैं इसने मेरे साथ बुरा किया, वो उसका कर्म है, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा कर्म है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों का जो परसेप्शन है वो शिफ्ट होता है, तो ऐसी कॉन्शियसनेस को मैच कर सकते हैं आपके ही सोल कम्युनिटी के लोग जो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज है। दूसरा, आइसोलेशन और पैशन। सो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप पैशन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और काफी खुश हैं आप, मुझे खुश नजर आते हैं, ठीक है। जब आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे होते हैं तो आपकी लाइफ के काफी सारे ऐसे जो नेगेटिविटीज हैं या फिर ऐसी जो चीजें हैं जो सरफेस होती हैं बार बार, उनको आप रिलीज कर पाते हो इजीली। तो ये भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप पैशन को, जो भी काम आप कर रहे हो उसको आप बहुत खुशी से कर रहे हो और वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं आपके सोलमेट को भी, ठीक है, आपके सोल पार्टनर को भी। बहुत सारे लोग नजदीक हैं बिल्कुल कि वो अपनी लाइफ में एक एक यू नो हैप्पी, जिसे हम बोलते हैं ना कि पुरानी चीजों को बिल्कुल खत्म कर देना और नई चीजों को बहुत ही खुशी के साथ एक्सेप्ट करना और बहुत ही खुशी के साथ आगे बढ़ना, ये बता रहा है सोलमेट और रिन्यूअल कार्ड, ठीक है। काफी अच्छी एनर्जीज के साथ आप अपनी जिंदगी को शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी एनर्जीज में हैं और इसी वजह से वो जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी अच्छा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी अभी इनसिक्योरिटी में है या फिर दूसरों को लेकर आज भी परेशान है, डियर, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, दूसरे की जिंदगी दूसरे की है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी को दूसरों का मोहताज ना होने दें कभी भी, ठीक है। आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, जो आपकी लाइफ के लिए बना होगा, जो आपका होगा वो आप तक आएगा, ठीक है, और वो ईश्वर खुद लेकर आएंगे। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, हैंड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड डेथ, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ। और क्या गुड न्यूज है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, ठीक है, और टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ये नजर आता है कि टेन ऑफ सॉर्ड्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स से कि आपने बहुत तकलीफ देख ली और बहुत आपने लोगों की जिम्मेदारी हटा मतलब उठा ली है, और यहाँ पर टेन टेन के कार्ड हैं जो ये बता रहे हैं कि ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कंप्लीट हो रही हैं, क्योंकि यू नो समय आ गया है कि अब आप एक नई लाइफ में जाएं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस एनर्जी में आ चुके हैं कि वो अपनी नई जिंदगी को शुरुआत नई जिंदगी की शुरुआत करें, ठीक है, अपनी नई लाइफ में एंट्री लें, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बात करता है कि इंसान इतना ज्यादा प्यार में रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा उसने अनकंडीशनल लोगों को बांटा है, हमेशा ही लोगों को दिया है, ठीक है, और प्रकृति का नियम है, ठीक है ना, कि आप देंगे तो वो लौटाएगी आपको, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा बांटते हो, ठीक है, और आपका हमेशा ही इंटेंशन ऐसे रहते हैं कि मुझे लोगों के प्रति मेरे मन में कोई घृणा नहीं है, ठीक है ना, मेरे प्रति लोग क्या सोचते हैं वो उनकी इच्छा है, लेकिन मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई घृणा नहीं है, किसी के प्रति कोई बुरी बात नहीं है, और मैं हमेशा ही देने के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, मुझे लोगों से कितना मिल रहा है इस पर मेरा फोकस कभी नहीं रहता, मेरा फोकस इस पर रहता है कि लोगों को मैं कितना दे सकता हूँ। आप में से काफी सारे लोग इस एनर्जी में रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना गाइस, ये कार्ड्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक व्यक्ति से दुनिया भर की खुशियां मांगते हैं, ठीक है, यानी कि मुझे तुम दे दो, मुझे तुम दे दो, ठीक है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है, लेकिन प्रकृति का लौटाने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी एक व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको देने वाला, क्योंकि वो व्यक्ति तो देता हुआ नजर आ ही रहा है, ठीक है, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी यू नो किसी खास से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको खुशियां दे, आपको प्यार दे, वो तो मुझे देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई होते हुए चीजें नजर आ रही हैं। जैसे आप यू नो दे भी रहे हो, अगर आपने अनकंडीशनल दिया भी है, कितनों को भी दिया हो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो
दो दो गुना, तीन गुना, चार गुना होकर आपकी तरफ वापस लौट रहा है, ये आपके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 लोगों को अनकंडीशनल लव बांट रहे हो, ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी 5 लोग हैं, लेकिन आपको जब प्यार रिसीव हो रहा है, यानी कि मिल रहा है, वो 10-15 लोगों से मिल रहा है, 20 लोगों से मिल रहा है, तो जैसे कहने का मतलब है कि आप हमेशा आपने निस्वार्थ दिया है, तो जब आपने निस्वार्थ दिया है तो आपको मल्टीप्लाई होकर निस्वार्थ मिल भी रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है आपके लिए गुड न्यूज में। ठीक है, और आपने जिम्मेदारी उठाने से भी कभी पीछे नहीं हटे आप, मतलब आपने कभी भी स्वार्थी होकर डिसीजन नहीं लिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग जाऊं, मैं कुछ भी ना करूं, ठीक है, और लोग मेरे लिए करते जा रहे हैं, उनका मैं लेता जाऊं लेती जाऊं और मैं किसी के लिए कुछ भी ना करूं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने बखूबी जिम्मेदारियां उठाई हैं, चाहे आपको कितना ही पेन क्यों ना मिला हो, ठीक है, और कितना भी प्रकृति ने आपको कितना भी टेस्ट क्यों ना किया हो, जैसे कोई इंसान ये था कि तुम मुझे कैसा भी टेस्ट कर लो, तुम मुझे कितना भी तकलीफ दे लो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, ये वो एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पे। ठीक है, और ना ही मैं कभी अपनी अच्छाई को भूलूंगा। बहुत सारे लोग जब उन्हें पेन मिलता है ना, तो अपनी अच्छाई को भूल जाते हैं, लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, लोगों की खुशियों से जलने लगते हैं, उनकी दूसरों की खुशियां सुनकर उनको बहुत तकलीफ होने लगती है, वो सुनना नहीं चाहते दूसरों की खुशियां, ठीक है, या फिर उनके अंदर ये आ जाता है, बदले की भावना आ जाती है। लेकिन दूसरे तरीके वो लोग होते हैं कि जिनको लाइफ में कितना भी दुख मिल जाए, वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते, वो अपनी अच्छाई को कभी नहीं मारते, वो फिर भी यही बोलते हैं कि मैं जो हूं मैं वो अच्छा हूं, ठीक है, और मुझे किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, जिसने जो भी किया वो उसकी इच्छा, मैं जो करूंगा वो मेरी इच्छा, ठीक है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं परमात्मा बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कार्ड स्टार का आया है, ठीक है, ये वो चमकते हुए सितारे होते हैं जिनको लोग नहीं समझ पाते, ईश्वर समझते हैं, ठीक है, और ये ईश्वर के द्वारा जब बिठा ले जाते हैं तो बहुत अच्छी जगह बिठा ले जाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी में मुझे नजर आते हो गाइज आने वाले समय में। गुड न्यूज है आपके लिए, ठीक है, आपने हमेशा ही अपनी जिंदगी को लेकर ऐसा सोचा होगा कि मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिला, या फिर मैंने मतलब मैं एक तरीके से यूज हुआ हूं या हुई हूं, लोगों ने यूज कर लिया मेरी अच्छाई का, मेरे भरोसे का, मेरे प्यार का, लेकिन यकीन मानिए परमात्मा कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, ठीक है ना, और सब अपना भाग्य अपने कर्म से ही बनाते हैं, तो जिसका कर्म अच्छा है, जिसने बहुत बांटा है, ठीक है, उस पर तो लौटना ही लौटना है, तो स्टार कार्ड वही बात कर रहा है गाइस। आप में से काफी सारे लोग आने वाले समय के स्टार मुझे नजर आते हैं, ठीक है, अभी किस तरीके से मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, ये आपकी नियति और प्रकृति डिसाइड करेगी, बट स्टार कार्ड बात करता है कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पर हीलर्स मुझे नजर आते हैं, ठीक है, आने वाले समय में हीलिंग करेंगे कुछ लोग, ठीक है, और डेथ का कार्ड और 7 ऑफ वैंड, बहुत बहुत लंबा टाइम गाइज आपने अपने आप को रोकने की कोशिश की है, हर समय आपने अपनी खुशियों को मारा है, हर समय आपने लोगों के बारे में सोचा है और अपनी खुशियों को रोकने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन जब बार बार प्रकृति देखती है ना कि आप हमेशा दूसरों को आगे रख देते हो, अपनी खुशियों को मार देते हो, दूसरों को आगे रख देते हो, अपनी खुशियों को मार देते हो, तो कहीं ना कहीं वो ही ऐसे डिसीजन लेती है कि बस यार ये तो बहुत हो गया, ये इंसान तो अपने बारे में सोचता ही नहीं है, ठीक है, सबको पहले रख देता है, खुद बाद में हो जाता है हर चीज में, ठीक है, तभी आपसे सिखाया जाता है कि आप थोड़ा सेल्फ लव करिए, ठीक है, थोड़ा सा आप सेल्फ लव में आइए, अपने बारे में सोचिए, बहुत आप लोगों को करते जाते हैं, लोगों का बोझ उठाते जाते हैं, ठीक है, लोगों के लिए आप इतना ज्यादा करते हैं कि आपसे सामान नहीं बन रहा है, फिर भी आप सामान लेकर चलते जा रहे हैं, ठीक है, तो 7 ऑफ वैंड इसी चीज की बात कर रहा है कि आपने हमेशा ही अपनी खुशियों को रोककर बाकियों की मदद करने की कोशिश की है, सो इस चीज का अंत होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब अब प्रकृति आपको मौका देगी कि आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा इंजॉय कर लो, बहुत आपने कर लिया लोगों का, हमने बहुत आपको टेस्ट कर लिया, ठीक है, अब आपका समय है, ठीक है, और आपको पता है कि आप किसके साथ ही इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर ये गुड न्यूज है आपके लिए, ठीक है, जो जो आपके लिए बेस्ट है वो ही आएगा, क्योंकि आपकी खुशियां उसी के साथ हैं, ठीक है, जो प्यार बांटता है कहीं ना कहीं वो प्यार को ही चाहता है, वो प्यार को ही चुनता है, तो जब आप प्यार को ही चुनेंगे तो प्यार आपको ही चुनेगा, यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आई है। वह बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, और मुझे जो कार्ड्स मैसेजेस दे रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट दे रहे हैं, यहाँ पर किसी ने अपने आप को न्यौछावर किया है, ठीक है, अब आपने ईश्वर के काम के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है, लोगों के प्रति आपने खुद को न्यौछावर किया है, किसी के प्रति प्रेम में आपने खुद को न्यौछावर किया है, फैमिली की जिम्मेदारियों के प्रति आपने अपने आप को न्यौछावर किया है, जिस चीज के लिए भी आपने अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि कुर्बानी दे देना कि ठीक है मुझे खुशियां मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, किसी का तो भला हो जाए, इस एनर्जी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माय गॉड, जो भी हैं मैं उनको बहुत ज्यादा मैं उनके लिए प्राउड फील करती हूँ, ठीक है, सो आप यकीन मानिए आपकी इस चीज का
अंत होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप ये करना बंद करेंगे, लेकिन ये है कि आपको आपके हिस्से की खुशियां मिलेंगी, ठीक है। आपने बहुत बांट लिया, अब ये समय है कि आपको आपकी हिस्से की खुशियां दी जाएं, ये वाले कार्ड से ही मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।